आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कब और क्यों नहीं करता, या कोई भी टेक्निक से हम अपनी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। आपकी कोई भी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आखिर क्यों? आप सोचते हैं कि मैंने कई टेक्निक किया, बहुत सारे चीज़ों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरी कोई भी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही है, कुछ काम नहीं करता है। आप ये सब बातें सोचने लग जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो तब हमें हम अपनी विश को जब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला नियम ये है कि जब हम अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट में रहना है, हमें प्रेजेंट में अपनी विश को लिखना है, या हमें ऐसे एक्ट करना है जैसे वो आपको मिल चुका है, बोलना ऐसे है, महसूस करना है, एक्ट करना है जैसे वो आपके पास, वो सारी चीज़ें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास हैं। फिर अपने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ों को प्रेजेंट में रखना है, प्रेजेंट में ही रहकर बोलना है, या फिर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं तो उसे प्रेजेंट में रहकर ही लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको मेन चीज़ ये है कि अब आपके लिए टेक्निक काम क्यों नहीं करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता है। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपका विश्वास, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। यदि आप सोचते हैं कि चलो एक बार यूज़ करके देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हमारी जो विश है वो मैनिफेस्ट होती है या नहीं, बस यहीं से आपकी विश जो है वो पहले ही वहाँ पर लाइक लग चुका है, वो आपकी विश कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, आप सिर्फ ऐसा उसको टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये होता है या नहीं, तो वो आपका ऐसे में आपकी विश जो है वो पूरी नहीं होगी। आपको जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आपको पहले से ही विश्वास होना चाहिए कि मेरी विश पूरी हो चुकी है। जब आप ये सोच लेंगे तो जैसे आप ये सोचते हैं तो दूसरे क्षण से आपकी विश पूरी हो जाएगी। वो जब आप एक्ट करते हैं वैसा, तो आपको फिर उस विश को अट्रैक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट के साथ साथ फिर फीलिंग्स। यदि आपको कोई टेक्निक करने के लिए कहा जाता है और उसमें यदि आपको प्रेजेंट में लिखना होता है कि यदि आपको मान लीजिए आपको जॉब के लिए आप इस किसी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसको विजुअलाइज करना है कि आपको जॉब मिल चुकी है, फिर आपको मैनिफेस्ट करना है कि मुझे मिल चुकी है। टेक्निक में यदि आपकी कुछ ऐसी टेक्निक है जिसमें लिखना है आपको, तो आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेन से लिखते जा रहे हैं मिल चुकी है और आपका दिल और दिमाग कुछ और ही बोल रहा है, तो आपकी जो फीलिंग्स है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए कि मिल चुकी है। तो जो मिलने के बाद जो आपको खुशी होती है उसको आपको फील करते हुए लिखना है एकदम, कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो आप कैसे कितना खुश होंगे, तो बस उतनी ही खुशी के साथ आपको लिखना है कि हाँ मुझे जॉब मिल चुकी है। उसके बाद हम आते हैं और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, एफर्मेशंस जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है। कोई भी टेक्निक को फॉलो करते समय या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते समय हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि होगा कि नहीं, देखते हैं करके, शायद हो, मुझे नहीं लगता होगा, अगर ये सब चीज़ें अगर आती है तो भी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। फिर आती है नेक्स्ट चीज़, काम समझ के करो। कि आपका एक रूटीन होता है ना कि चलो झाड़ू तो लगाना ही है घर में, तो ये आपका एक रूटीन है, आपको काम समझ कर करना पड़ता है इसको। लेकिन तो आप कभी ऐसे कि हाँ चलो लगाना है इसलिए लगा दिए, तो टेक्निक को ऐसा नहीं करना है कि टेक्निक करना है इसलिए कर लिए, नहीं, इसमें आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए। जब आप उसको दिल से करोगे, खुश होकर करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको उसे काम वर्क समझ के नहीं करना है, आपको उसे बहुत खुशी के साथ, बहुत
क्या बोलना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में करना है, जिससे आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट फटाफट से मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है लेट गो करना। ये सबसे मेन चीज़ है। सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो टेक्निक करने के बाद उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं। यदि आपने कुछ टेक्निक डन किया या तो आप सोचते हैं कि आज आपने टेक्निक डन किया और आपको कल ही उसका रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि यदि आपने टेक्निक डन किया है तो आपको उसे भूलना है, लेट गो करना है, आपको अपने दूसरे काम पर ध्यान देना है। यदि आप उसे उस टेक्निक को यदि आप पकड़ कर ही रहोगे कि मैंने वो उन कि मैंने इसे किया है तो ये मुझे मिल जाएगा, मैंने इसे डन किया है तो अब मुझे मेरी ये विश जो है वो पूरी हो जाएगी, तो ऐसे में आपकी विश कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। आपने अपनी टेक्निक डन कर लिया, अब उसे आप यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। जब आपका टाइम आएगा आपकी विश ज़रूर से पूरी हो जाएगी। आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। तो आपको वो बात को ध्यान रखना है, आपको कर्म करना है। कर्म मीन्स आपकी टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको फॉलो करना है, लेकिन उसकी जो फल है उसके बारे में नहीं सोचना है। वो आपको जब आप उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देंगे, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देंगे अपनी विश को, तो यूनिवर्स उसको ज़रूर पूरा करेंगे। उसके बाद में आता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब हम फॉलो करते हैं तो हमें तो आपको नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जब आप यूनिवर्स के संपर्क में आ जाते हैं, तो आपके आसपास भी नहीं फटकनी चाहिए नेगेटिविटी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। हर मोड पर, हर टेक्निक करने पर, हर चीज़ फॉलो करने पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको विश्वास है यदि यूनिवर्स पर, तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।